नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज एडिजेट। मन को एकाग्र करने के लिए किया जाता है सत्संग। अमेठी जिले के थाना क्षेत्र संग्रामपुर के बोजी में बना अद्वैत आश्रम में प्रत्येक माह 24 तारीख को सत्संग होता है। इस सत्संग में मन में एकाग्रता लाने पर जोर दिया जाता है। वहां के मुख्य अर्जुन देव उर्फ प्रेमानंद ने बताया है कि हम सब प्रत्येक माह की 24 तारीख को यहाँ कार्यक्रम इस आश्रम में करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान के लिए किया जाता है। यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग ही एक ऐसा रास्ता है जहां से हम इष्ट देव तक पहुंच सकते हैं। समाज एडिजेट के लिए अमेठी से आशीष सिंह की रिपोर्ट। आज दैव आश्रम बोझी में कैसा कार्यक्रम किया जा रहा है? यह हर 24 तारीख को जो है सत्संग होता है, भजन होता है। सत्संग के माध्यम से हम लोग जीवात्मा के कल्याण के लिए, आवागमन से रहित होने के लिए जो है यह कार्यक्रम होता है। यह जो है बड़े भाग्य मान स्तन पावा सूर्य दुर्लभ सदग्रंथ गावा। मानव का जीवन जो है कैसे चरितार्थ होगा अपने आप को परखने के लिए। और नाम का दान इसमें दिया जाता है, वह नाम जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि राम न सकई नाम गुण गाई, कहां लो करूं उस नाम की बड़ाई। वो नाम का दान मिलता है जो अनादिकाल से चला आ रहा है। वो जो है संतों के माध्यम से उसको अपने आप को जानने के लिए, आत्मज्ञान के लिए जो है ये सत्संग का आयोजन किया जाता है, ताकि वो अपने ज्ञान को जो है अपने अंदर उस प्रभु को पाने की युक्ति जो है संतों के द्वारा मिलती है। आत्मसात ही एकाग्रता ही आत्मसात की कुंजी है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जब हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं, मन को हमारा एकाग्र नहीं हो पाता है, तब तक हम उस रंग में नहीं रंग पाते, अपने आप को नहीं जान पाते हैं। मनुष्य तन जो है देवी देवता भी पाने के लिए लालायित। आप अपना आराध्य किसको मानते हैं? हम अपना आराध्य जो है सदगुरु भगवान को मानते हैं, जिन्होंने परमात्मा से मिलाने का जो है युक्ति मुक्ति दिया है कि युक्ति से आप जो है वहां तक पहुंच सकते हो। अपना परिचय बताएं। हमारा परिचय जो है अर्जुन देव उर्फ प्रेमानंद, ग्राम धरौली, पोस्ट छतरपुर, प्रतापगढ़।